मन में इसके ये भी डाउट रहता है कि मेंटेनेंस हाई है थोड़ी गाड़ी की। मेन था हाँ मेरा बजट नहीं था इतना लेने का, हाँ बट हाँ अचानक से बजट बन गया तो ले। आज हम लोग आपके लिए ओनर रिव्यू जो कि रहने वाला है ड्यूक 200 का, जाने के ओनर जी से उनको कितने की पड़ी, इसके साथ साथ कौन से कॉम्पिटिटर ट्राई किए हैं और क्या माइलेज देती है, क्या परफॉर्मेंस है और इसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जो भी आपके सारे डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो लेते हैं अपने ओनर जी से। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। मेरा नाम आर्यन है, हाँ हाँ मैं यहीं फरीदाबाद में रहता हूँ फरीदाबाद में रहते जी। हैं। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने ड्यूक 200 ही क्यों ली? मेरा मन तो वैसे बहुत बाइकों पे था, हाँ हाँ जैसे अपाची था, हाँ मेरा बजट नहीं था इतना लेने का, हाँ बट हाँ अचानक से बजट बन गया तो ले लिया। अच्छा पसंद आ गया, लुक्स के वाइज और राइडिंग कंफर्ट के वजह से भी अच्छी है काफ़ी। राइडिंग कंफर्ट के लिए भी हाँ अच्छी है गाड़ी, जैसे हम देख रहे हैं सीट कंफर्टेबल है गाड़ी के। हाँ कंफर्टेबल है हाँ काफ़ी, हाँ काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ऐसा क्या हुआ कि अपाचे के बाद सीधा ड्यूक 200? इसकी लुक्स लुक्स लुक्स, और पावर, पावर। इसके साथ साथ और और कौन से प्रीमियम कॉम्पिटिटर प्रीमियम ट्राई किए? प्रीमियम क्वालिटी है इसकी सारी। गाड़ी प्रीमियम क्वालिटी की है हाँ ना? सब चीज़ प्रीमियम, इसके हाँ हाँ ब्रेक्स और चेसी सारे। तो इसके साथ साथ और कोई कॉम्पिटिटर ट्राई किया आपने? नहीं मैंने तो और कोई नहीं देखा, सिर्फ सीधे यही अपाचे और यही? अभी एक दिन पहले देखने गया, उसके बाद दूसरे दिन ले लिया था मैंने। दूसरे हाँ दिन ले लिया था। तो ये पड़ी कितने की आपको? मुझे ऑन रोड पड़ी थी 2,14,000 की, 2,014,000 रुपये अब की। तो महंगी आ रही है अब फिलहाल, कितने की होगी ये? अब लगभग अप्रॉक्स दो ढाई के टू आसपास? फोर्टी टू फिफ्टी ऐसे हाँ ही होगा। ढाई के आसपास है। तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 2-2.5 साल तो हो गए होंगे इसके। 2-2.5 साल। 21 में लिया आपने हाँ मतलब? 21 फेब में लिया था, हाँ। कितनी चला दी इतने में? अभी तो 19,000 चला चुकी है। 19,000 चला दी है। हाँ तो थोड़ा सा लोगों के मन में इसके ये भी डाउट रहता है कि मेंटेनेंस हाई है थोड़ी गाड़ी की, मेंटेनेंस देखा जाए कि चलाने के ऊपर है, चलाने के ऊपर है। अगर अच्छे से चला रहे हो तो मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, बस 6 महीने में ही है, सर्विस करानी पड़ती है एक बार। कितने किलोमीटर पे? 6 महीने पे करा लो या फिर 5-6 हज़ार किलोमीटर पे 5,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। सर्विस। हाँ तो ये भी सही है। तो कितना कॉस्ट आ जाता होगा? अप्रॉक्स खाली सर्विस सर्विस का, जैसे खाली हाँ और उसमें अलग से पार्ट ना लगे तो 3 से 3,500 रुपये लगता है। हाँ 3 से 3,500। सर्विस में मतलब क्या क्या चीज़ चेंज होती होगी इसकी, बेसिक एयर सर्विस में? फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और हाँ इंजन ऑयल, हाँ बस यही सब चेंज होता है। बाकी थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि रीसेल वैल्यू नहीं होती ड्यूक की, जैसे बुलेट अब है। आपने बुलेट ट्राई की क्या है इस चीज़ में? बुलेट, बुलेट अलग चीज़ हो गई हाँ है, हाँ अलग ये चीज़ थोड़ी हो अलग गई। चीज़ होगी, स्पोर्ट्स बाइक में आ गई है। हाँ सबके अपने मज़े हैं, हाँ बट हाँ बुलेट से अच्छी मुझे लगती है, बुलेट से अच्छी लगती है आपको? कंफर्टेबल है, बुलेट से काफ़ी कंफर्टेबल है आपने लॉन्ग लगभग दो राइड के ढाई लिए। साल चला दी गाड़ी, जी जी आपको ऐसा सच लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए अभी तक की, जो कमी आपने अभी तक जो फेस करी है इस बाइक में वो बताइए? मुझे कमी तो कोई नहीं लगी, अब तो जो कमी थी वो भी दूर हो गया, एलईडी लाइट आ गई अब तो। हाँ हाँ जो नई वाली मॉडल में है। हाँ लाइट की दिक्कत होती थी, अब तो लाइट भी ठीक ठाक है, उतनी भी हाँ हाँ ख़राब हाँ नहीं है, मतलब एवरेज है, काम चलाऊ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, ऐसा कुछ दिक्कत बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट गाड़ी है, हैंडलिंग बढ़िया है। बहुत बढ़िया हैंडलिंग, ब्रेकिंग, इसके शॉकर्स देख लो सबसे बढ़िया है, इसके शॉकर्स हैं शॉकर्स इन बढ़िया। सेगमेंट में सबसे बढ़िया है, इसका चौड़े हैं और और इसकी डिस्क का स्टेबिलिटी बहुत साइज भी अच्छी काफी होती अच्छा है, है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, कॉर्नरिंग के लिए ये एबीएस और वाला है अच्छी। आपका? हाँ एबीएस है, डुअल एबीएस है, डुअल एबीएस है। डुअल चैनल एबीएस है। और सस्पेंशन कैसा है बाइक का? सस्पेंशन तो यार इंडियन रोड के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम अच्छा है। बहुत अच्छे हैं, मतलब कंफर्टेबल है, हाँ बिल्कुल जर्क हाँ नहीं महसूस होता। आपको इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत फेस करनी होती होगी मुझे लगता है, ये जो पीछे से कपड़े भी गंदे कर दिए पीछे बैठने वाले के, तो कीचड़ नहीं में फिलहाल तो मैंने फ्लैप निकाला नहीं है, नहीं तो इसको हाँ लोग निकालने के थोड़ा बाद निकाल तो देते हैं इसको, ये लुक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर मुझे तो सही आपने लगता प्रैक्टिकली है, सोचा है इसलिए मैंने नहीं तो कुछ हटाया। नहीं निकाला है, ना शीशे निकलवाए ना इसके मड गार्ड, शीशे तो वैसे निकलवाने भी नहीं चाहिए, हाईवे पे चलाने के लिए सेफ रहता बिल्कुल है, वो तो ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं निकलवानी चाहिए। बाकी बहुत लोग इसको साइड मिरर लगवा लेते हैं, वो ज़्यादा सही नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा वो क्या हाँ कहते हैं पीछे का दिखता नहीं है सही। पीछे का दिखता नहीं है। चलो आपने ये ऐसा बताया कि कमी तो ऐसी कुछ लगी नहीं, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि आपको लगा कि भाई 2 लाख प्लस आपने इन्वेस्ट किया इस चीज़ में तो वर्थ रखता है? अच्छी सबसे अच्छी इसमें ये लगती है कि इसका पावर अच्छा है एक तो, हाँ और इसमें सब चीज़ अच्छी है, हैंडलिंग हाँ हाँ और राइडिंग, राइडिंग की सब। अरे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। तो इसकी हाँ टॉप स्पीड कितने तक आपने चलाई है बाइक? मैंने तो 140-142 चला ली एक पूरी सौ चालीस टॉप। बयालीस हाँ जाती है बाकी इतने पे? इसमें स्पीडोमीटर एरर है नहीं ना,
हाँ बिल्कुल डिजिटल है तो एक्यूरेट ही बताता होगा। नहीं जैसे बाकी जैसे यामाहा की गाड़ियों में थोड़ी सी एरर होती है, एरर बजाज होती की है, गाड़ियों में भी एरर होती है, चार एरर पांच होती है। दस की, हाँ, इसमें नहीं होता। इसकी एक्यूरेट है बिल्कुल, लगभग जीपीएस के अकॉर्डिंग 2-3 का फर्क आता होगा। 2-3 का फर्क आता है, हाँ मतलब जैसे जीपीएस आप लगाते हाँ होंगे जीपीएस लगा के चलाता नेविगेशन हूँ में तो तो वही हाँ लगभग दिखाता है हाँ वही ना। लगभग। बाकी 142 का टॉप स्पीड है, अब तो जो नई वाली है इसका टॉप स्पीड शायद कम हो गया। और बाकी थोड़ा ये चीज देखी जाए, बिल्ड क्वालिटी कैसी है गाड़ी की? यार बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बिल्ड बहुत अच्छी क्वालिटी है। भी हाँ अच्छी है इसका। हाँ कई बार गिरी है मेरी गाड़ी खड़ी खड़ी, कुछ होता नहीं इसमें। मतलब मड बिल्ड गार्ड क्वालिटी भी थोड़े अच्छी से, रखी है, स्ट्रॉन्ग है। अरे इसकी एल्युमिनियम सिंग आर्म है पूरा, चेसिस की बहुत मजबूत है। तो मतलब रस्टिंग का इशू भी नहीं होता है गाड़ी में, है ना, ऐसा रस्टिंग कुछ? तो अभी फिलहाल ऐसा हाँ कुछ है नहीं, नहीं, वैसे अब बाकी ये देख। बारिश में भी चल रही है, देख रहे हैं हम बाइक गंदी हो रही है, और 2 साल के आसपास हो गए गाड़ी में, मुझे तो ऐसा ऐसा सच कहीं दिख नहीं रहा इसमें रस्टिंग का कोई इशू, नहीं रस्टिंग तो तो फिलहाल, आयरन क्वालिटी भी काफी अच्छी है। हाँ यहाँ अभी अभी दिल्ली में तो मैं जल्दी आया हूँ, मैं तो यूपी में, मैं लखनऊ से हूँ, हाँ, तो वहाँ का पानी कैसा है? वहाँ का पानी सही है। ये जैसे ग्रेटर नोएडा में यहाँ का पानी भी अच्छा है, हाँ बाकी दिल्ली वैली में बहुत दिल्ली में तो खराब है, पानी बहुत बेकार फरीदाबाद है, में भी खराब है पानी, फरीदाबाद में बेकार है, गाजियाबाद का पानी भी अच्छा नहीं है, अपने यहाँ का बहुत पानी तो बेकार ठीक है। है। वहां से तो अगर गाड़ी आप धुल रहे हो ना हफ्ते हाँ में डेली, तो समझ लो रस्ट लग ही जानी है। रस्टिंग होनी ही है, बाकी इसमें रस्ट बहुत कम लगती है, जल्दी नहीं लगती है नहीं बाकी लगती है, गाड़ियों मतलब वाली। अच्छी क्वालिटी आयरन की काफी, है बाकी ना। बुलेट उलेट की आप बात कर रहे हो, उसमें तो रस्ट पकड़ लेता है तुरंत। क्योंकि पूरा फुल्ली आयरन बॉडी होती है वो, तो उस चीज की दिक्कत आती ही है। इतने 2 साल के आसपास आपको हो गए, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आगे रिकमेंड करना बाकी चाहेंगे इसकी बाइक को? सर्विस सर्विस कॉस्ट थोड़ी कॉस्टली है हाँ, बाकी गाड़ियों से, लेकिन ये है कि 6 महीने के हिसाब से सही है। 6 महीने के बाकी हिसाब जो से सही है। जिसकी इनकम अच्छी है या फिर पैसे थोड़ा बहुत आ रहे हैं उसके बाद अच्छे में, तो सही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। अच्छी है। बाकी जो बजट में चाहते हैं, जिसके पास उतने बजट नहीं होता, फिर उसके लिए तो उसके लिए कॉस्टली तो पड़ जाएगी एक्सपेंसिव बाद हो में, जाती है, ले तो लेगा लेकिन बाद में मतलब सर्विस कराने में दिक्कत हो जाएगी। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है गाड़ी की, है हाँ सर्विस तो सही है फिलहाल सर्विस तो। सही है। हाँ आपको एज सच कोई इशू आया हो अभी तक गाड़ी में अभी तो जो थोड़ा कोई लगा कि यार इशू नहीं आया, बस इसमें क्लच प्लेट में एक बार प्रॉब्लम आई थी, उन्हें मैंने चेंज करवाया था। क्लच क्लच प्लेट का क्या कॉस्ट आया होगा? प्लेट का लगभग आता है 2 से 2.5 हज़ार रुपये। 2 से 2.5 हज़ार रुपये, हाँ कितने किलोमीटर पे हुई होगी? अब वो तो चलाने के ऊपर है, क्लच नहीं प्लेट नहीं मतलब तो मैं आपका पूछ रहा हूँ, वो जैसे मेरी तो अभी जल्दी हुई थी, जल्दी हुई थी, मतलब आपने कितना बताया, 25 हज़ार के आसपास चल चुकी है ना नहीं गाड़ी? नहीं 19 हज़ार 19 हज़ार, हाँ मेरे उन वो क्लच ना थोड़ी सी टाइट हो गई थी, वैसे क्लच प्लेट खराब हो गई। जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था ना हाँ, कि क्लच में कितना प्ले होना चाहिए, तो ज़्यादा ही टाइट था, तो उस वजह से खराब हो गया। आपने मतलब उस चीज़ का आइडिया नहीं था, इस वजह से हो हाँ और गई थी। सर्विस सेंटर से उसने सही करके दिया नहीं था। ओके ओके, ये मेजर इशू था, इस हाँ वजह से क्लच ही। व्लच देख लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए, सही है हाँ कि हाँ ढीला हाँ है कि टाइट है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है प्रॉब्लम नहीं है। अभी? ये लगता है आपको कि हाँ 2 लाख के प्लस वर्थ रखता है इस गाड़ी के बिल्कुल देख, है यार ना। बाकी गाड़ियों से तो बहुत वर्थ है, बाकी इसको बस नाम का टैग मिल गया छपरी वाला, लेकिन इससे अच्छी बाइक इस रेस सेगमेंट में मिलेगी ही नहीं कोई। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल आपने सही कही, छपरी वाला टैग कहीं ना कहीं मिल गया इस चीज़ में, पर लेकिन ये यार चलाने के बाद पता चलता है ना कि छपरी वाली बाइक ही कैसी बाइक है, अपने बजट में सबसे अच्छी इसके ब्रेक्स शॉकर सब बहुत अच्छे रहते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत अच्छा है। मतलब ये जो है ना पीडब्ल्यू का किसका दिया हुआ है पता नहीं, याद नहीं मुझे, हाँ, लेकिन इसके जो इस शॉकर्स है ना वो सस्पेंशन में सेगमेंट सेगमेंट में सबसे बेटर हैं। हाँ सबसे बेटर है। देखो भैया, बाकी इनका इंस्टा आईडी भी देख लेना आप, यहाँ पे भाई ने मेंशन कर रखी है। और भैया आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई। एक